हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयमीन। आप देख रहे हैं टेकी जयमीन। दोस्तों, यहाँ पे दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आए गए, जिसमें जो पहला जो फोन है वो रियलमी की तरफ से वाला रियलमी 9i 5G, जो फिलहाल अभी अभी इंडिया में लॉन्च हुआ है, और दूसरी तरफ हमारा रेडमी की तरफ से वाला रेडमी नोट 11T 5G। ये दोनों ही स्मार्टफोन आपको सेम परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। प्राइस भी आपको यहाँ पे ऊपर नीचे थोड़े बहुत 1000 रुपये के डिफरेंस में ही देखने को मिल जाती है। तो अगर इस प्राइस रेंज में कोई फोन लेना हो इसी प्रोसेसर के साथ में, तो कौन सा लेना चाहिए जरूर बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे हम दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो पहले थी दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले, तो Realme 9i 5G में देखने को मिल जाती है 6.6 इंच की फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ में आपको IPS LCD पैनल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 19 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो, फ्रंट में आपको ग्लास फिनिश डिजाइन और पीछे की तरफ आपको प्लास्टिक की बॉडी। लेकिन यहाँ पे डिजाइन वाइज ये फोन बहुत ही अच्छा है, लेकिन स्टिल यहाँ पे एक नाराजगी वाली बात ये है कि यहाँ पे आपको ड्यू ड्रॉप नॉच फ्रंट में देखने को मिल जाती है, तो ये थोड़ी सी कमी है। थोड़ा सा ओल्ड वर्जन वाला फोन देखने को मिल जाता है ये फोन। लेकिन यहाँ पे Redmi Note 11T 5G की बात करो तो यहाँ पे भी आपको सेम साइज वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे भी आपको 19 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और यहाँ पे पंचोल कैमरा डिजाइन के साथ में ये डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो ये एक डिफरेंस है, बाकी डिस्प्ले की क्वालिटी दोनों में आपको सेम देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की साइज है वो भी सेम है, रिफ्रेश रेट भी आपको सेम है, दोनों में आपको IPS LCD पैनल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे फर्क एक ही बात का है, जिसमें आपको पंचोल कैमरा डिजाइन है वो यहाँ पे नोट 11T 5G में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे Realme 9i 5G में आपको ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले वाइज ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा ट्रेंडी लुक चाहिए, तो नोट 11T 5G को कंसिडर करना चाहिए डिस्प्ले के मामले में। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, तो मैंने पहले बताया दोनों ही स्मार्टफोन आपको सेम परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। दोनों ही फोन में आपको MediaTek का Dimensity का 810 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो 6 नैनोमीटर बेस लेवल पे काम करता है। ऑक्टाकोर पॉड है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है, और मालिका G57 का आपको GPU देखने को मिल जाता है। ऑल ऑफ टुगेदर यहाँ पे दोनों में परफॉर्मेंस सेम है, तो गेमिंग मल्टीटास्किंग सब कुछ यहाँ पे आसानी से कर पाएंगे। मीडियम सेटिंग में आपको बहुत ही अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। 5G भी आपको देखने को मिल जाता है, 12 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है दोनों ही फोन में। लेकिन यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है, बाकी यहाँ पे ऑल टुगेदर जो परफॉर्मेंस है वो दोनों में आपको इक्वल देखने को मिल जाती है। बात करें यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज वेरियंट की, बताते हैं यहाँ पे Realme 9i 5G में आपको दो अलग अलग वेरियंट देखने को मिल जाते हैं। 4GB रैम 64GB स्टोरेज, 6GB रैम 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जिसमें LPDDR4X रैम का सपोर्ट और UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिल जाता है, जो माइक्रोसिटी का लगा सकते हो, 1TB तक एक्सपेंड कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे Redmi Note 11T 5G की बात करूँ तो यहाँ पे तीन अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, 6GB रैम 64GB स्टोरेज, 6GB रैम 128GB स्टोरेज और 8GB रैम 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे भी सेम LPDDR4X रैम का सपोर्ट और UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो स्लॉट है माइक्रोसिटी का लगाने का ऑप्शन वो यहाँ पे हाइब्रिड है और यहाँ पे 1TB तक एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन है, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो तीन अलग अलग वेरिएंट, आपको ज्यादा अच्छे वेरिएंट चाहिए, 8GB वाला वेरिएंट चाहिए तो नोट 11T 5G में देखने को मिल जाता है। बाकी रैम और स्टोरेज के जो वर्जन है वो तो दोनों में आपको बराबर से देखने को मिल जाते हैं दोनों ही फोन में। बात करें अभी दोनों फोन के रियर कैमरा के, Realme 9i 5G में आपको 15MP का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है f1.8 एपर्चर के साथ में। बाकी के जो दो कैमरा है वो तो फालतू के ही मिलते हैं, मैक्रो और जो डेप्थ सेंसिंग कैमरा वो देखने को मिल जाते हैं, काम का कोई लेंस देखने को नहीं मिलता। सिंगल टोन एड भी देखने को मिल जाते हैं और 10 तक की 30 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। यहाँ पे 4K का ऑप्शन ना तो यहाँ पे, हालांकि 4K कॉम्पेबिलिटी है लेकिन स्टिल यहाँ पे नहीं दिया है इस फोन में। लेकिन यहाँ पे आपको जो अल्ट्रा वाइड लेंस देते तो थोड़ा बहुत अच्छा रहता, लेकिन पता नहीं ऐसा रियलमी क्यों कर रहा है, क्योंकि सभी जो आप फोन देखेंगे अंडर 15,000 में उसमें सभी ऐसा करता है कि 2-2 MP के फालतू के कैमरा दे देते, बाकी यहाँ पे एक ही कैमरा है वो यहाँ पे काम का देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे Redmi Note 11T 5G की बात करो तो यहाँ पे प्राइमरी 15MP का सेम लेंस देखने को मिल जाता है f1.8 के साथ में। दूसरा यहाँ पे 8MP का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है, और चौथा तीसरा कोई भी कैमरा यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे दो ही कैमरा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जो दो कैमरा है वही काम के यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ड्यूल टोन एड देखने को मिल जाती है, 10 तक की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। ऑलमोस्ट यहाँ पे EIS का ऑप्शन, यहाँ पे 16 FPS का ऑप्शन दिया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। काम के दो कैमरा है वही यहाँ पे दिए, फालतू के कैमरे कोई भी दिया नहीं है। तो Realme 9i 5G जो कैमरा के
में हम लोग थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं एज कम्पेयर टू नोट 11 5G। बात करते हैं पे दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे की, देखिए यहाँ पे आपको Realme 9i 5G में आपको 8 मेगापिक्सल की नॉच में सेल्फी देखने को मिल जाती है F2.0 एपर्चर के साथ में, HDR कैमरा और 10 तक की 13 एफपीएस तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे नोट 11 5G में आपको 16 मेगापिक्सल की पंचो सेल्फी देखने को मिल जाती है F2.45 एपर्चर के साथ में, HDR कैमरा और 10 तक की 13 एफपीएस तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ऑन द पेपर जो आपको कैमरा मिलता है वो डबल देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू Realme 9i 5G। हालांकि मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर Realme 9i 5G में 15 मेगापिक्सल की सेल्फी देते तो थोड़ा बहुत कंपटीशन अच्छा रहता, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि सेल्फी कैमरा के मामले में यहाँ पे Redmi Note 11 5G वो थोड़ा सा बेस्ट ऑप्शन हो जाता है सेल्फी कैमरा के मामले में। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की बैटरी सॉफ्टवेयर की, वजह से दोनों ही फोन में आपको सेम 5000mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे Realme 9i 5G में आपको 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, वहीं पे आपको Redmi Note 11 5G में आपको 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो चार्जिंग स्पीड के मामले ऑब्वियसली यहाँ पे Redmi Note 11 5G वो थोड़ा सा आगे निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात करें तो Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है दोनों ही फोन में। हालांकि Redmi Note 11 5G जब लॉन्च हुआ था उसमें देखने को नहीं मिला था, लेकिन अब यहाँ पे अपडेट के साथ देखने को मिल गया होगा। दोनों के आपको कस्टमाइजेशन अलग अलग देखने को मिल जाता है, Realme के फोन में Realme UI 3.0 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है, वहीं पे आपको Redmi Note 11 5G में आपको यहाँ पे MIUI 13 का अपडेट देखने को मिल जाता है। सॉफ्टवेयर आपको सेम है, आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर पसंद आता है उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है। बाकी बैटरी और चार्जिंग स्पीड है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है, बाकी बैटरी तो दोनों में सेम टू सेम ही देखने को मिल जाती है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की, दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम सेंसर देखने को मिल जाता है, नॉर्मल सेंसर और सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही फोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। टाइप सी का पोर्ट है, 3.5mm कॉर्ड जैक यहां पे बदल देगा। यहां पे Realme 9i 5G में आपको ट्रिपल स्लॉट देखने को मिल जाता है, वहीं पे आपको Note 11 5G में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों ही फोन में आपको ब्लूटूथ 5.2 ड्यूल 5G का सपोर्ट, ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट, लेकिन यहाँ पे Realme 9i 5G में आपको सिंगल स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, वहीं पे आपको Note 11 5G में आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे Realme का फोन में अगर ड्यूल स्पीकर होता तो बहुत ही अच्छा रहता, लेकिन स्टिल यहाँ पे सिंगल स्पीकर देखने को मिल जाता है। लेकिन कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में मुझे लगता है कि अच्छा थोड़ा सा परफॉर्मेंस है वो Note 11 5G में देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की कलर रेट और प्राइस की, यहाँ पे Realme 9i 5G में आपको 3 अलग अलग कलर देखने को मिलता है, लेकिन प्राइस की बात करूं तो यहां पे जो बेस वेरिएंट है वो 15,000 का फोन देखने को मिल जाता है और दूसरा जो वेरिएंट है वो आपको 17,000 के प्राइस में फोन देखने को मिल जाता है। और इसकी जो सेलिंग है वो 24th ऑफ अगस्त को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी Flipkart पे, तो मैं इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप परचेस कर सकते हो। लेकिन यहां पे Note 11 5G की बात करूं तो यहां पे 3 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिलते हैं, लेकिन प्राइस की बात करते हैं जो बेस वेरिएंट है 6GB वाला वेरिएंट वो यहां पे Amazon पे तो नहीं है लेकिन MI की वेबसाइट में अवेलेबल है, 15,500 रुपए की प्राइस में फोन देखने को मिल जाता है। और दूसरा जो 6GB 128GB वाला वेरिएंट है वो 16,000 के प्राइस में फोन देखने को मिल जाता है, और तीसरा जो वेरिएंट है वो यहाँ पे आपको 18,000 के प्राइस में फोन देखने को मिल जाता है। और इसकी जो दो बाकी के जो दो वेरिएंट है वो यहाँ पे Amazon और MI की वेबसाइट पे देखने को मिल जाता है, और इसकी जो सेलिंग है वो आपको Amazon पे देखने को मिल जाएगी, तो मैं इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप परचेस कर सकते हो। ऑल ओवर यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन की कंडीशन की बात करें तो कौन सा फोन लेना चाहिए अगर आप बेस वेरिएंट परचेस करने की प्लानिंग कर रहे थे Realme के फोन में, तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि यहाँ पे Note 11 5G है वो थोड़ा सा बेस्ट ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि अगर 500 रुपए और ऐड करेंगे MI की वेबसाइट में तो ऑब्वियसली आपको अच्छे खासे 6GB 64 यानी कि रैम आपको एक थोड़ी सी अच्छी देखने को मिल जाएगी, ना कि 4GB, तो ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी बात करें तो स्पेसिफिकेशन वाइज तो यहाँ पे Realme 9i 5G है उसमें स्पेसिफिकेशन अच्छी है, मैं नहीं कहूँगा कि नहीं बुरी है, लेकिन यहाँ पे जो कैमरा है उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि नहीं अच्छा है। जो कैमरा सेंट्रिक कोई भी फोन आप देख लेगे इसमें तो सेल्फी कैमरा वो भी खराब देखने को मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल की सेल्फी जो अंडर 10,000 के सेगमेंट में अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे आपको अंडर 15,000 के सेगमेंट में ये फोन अच्छा नहीं लगता। बाकी बात करें डिस्प्ले, तो डिस्प्ले में आपको ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाती है, लेकिन अगर पंच होल देते तो बहुत ही अच्छा रहता। बाकी प्रोसेसर तगड़ा वाला देखने को मिल जाता है, डिजाइन भी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ बुरी बात जो आपको जो ऑल टुगेदर आपको डेली लाइफ में यूज करना है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो मेरा ख्याल से यहाँ पे Note 11 5G बेस्ट ऑप्शन हो जाता है अंडर 15,000 के सेगमेंट में, हालांकि 15,000 तो नहीं है लेकिन 15,000 या अंडर 20,000 के सेगमेंट में बहुत ही अच्छी स्पेक्स देखने को मिल जाती है फिलहाल अभी Note 11 5G में। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको दोनों फोन में से कौन सा फोन पसंद आया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में तय दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।